है राज्य सरकार द्वारा जलदाय विभाग को जल प्रदाय व मल वहन बोर्ड बनाने का विरोध शुरू हो चुका है। जल भवन पर सोमवार को बड़ी संख्या में जलदाय विभाग के सभी संगठनों ने मिलकर के प्रदर्शन किया और मल बोर्ड के अध्यादेश की प्रतियां भी जलाई गईं। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए जलदाय विभाग को तोड़ करके जल व मल बोर्ड का गठन करते हुए विभाग का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड बनाने में कर्मचारियों के हितों के संबंध में राज्य सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। साथ ही कर्मचारियों का बोर्ड बनने के बाद में विभाग में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके होने के बाद में कुठाराघात को कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के अध्यादेश वापस लेने तक संघर्ष उनका लगातार जारी रहेगा, ऐसा कहना है कर्मचारियों का। प्रदर्शन और धरना जलदाय विभाग को जल बोर्ड मल वहन के अंदर दिया जा रहा है, इसको लेकर हमारे जलदाय विभाग के कर्मचारी साथी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन की प्रतियां आज यहां जल भवन के ऊपर जलाई गई है, इसका विरोध किया गया है। इसके अंदर सैकड़ों कर्मचारी इसके अंदर जगह जगह से आए हुए हैं, उन्होंने जल बोर्ड बनाने का पुरजोर विरोध किया है। अगर समय रहते हुए अधिकारी और सरकार नहीं चेती तो हमारे जलदाय विभाग का पूरा कर्मचारी इसके अंदर हंगर स्ट्राइक करेगा, महापड़ाव देगा और फिर भी अगर नहीं मानती है तो आम हड़ताल पे हमारे जलदाय विभाग का कर्मचारी।